एकजुट जम्मू पार्टी ने गत दिनों जानीपुर में महिला डॉक्टर की उसके मित्र द्वारा चाकू से गोदकर की गई हत्या के विरोध में आज जोरदार प्रदर्शन किया और हत्या की इस वारदात को लव जिहाद का मामला बताया। एकजुट जम्मू पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष अजय सिंह सैनी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में एकजुट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार से तत्काल सख्त धर्मांतरण विरोधी और लव जिहाद विरोधी कानून बनाने की भी मांग की। अजय सिंह सैनी ने कहा कि जिस तरह से एक महिला डॉक्टर की हत्या एक विशेष समुदाय के साथी ने की है, ये सीधे तौर पर लव जिहाद का मामला है और सरकार को इस तरह की हत्याओं को रोकने के लिए लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने चाहिए। ये आप जानते हैं, होली के दिन या उसके एक दिन पहले हमें पता नहीं है कि मृत्यु कब हुई है। उस लड़की की जिस तरह निर्मम हत्या की गई है, जानवरों को काटने वाले चाकू से उसे काटा गया है और ये साफ साफ लव जिहाद का मामला है। लव जिहाद के मामले जम्मू में पहले होते रहे हैं पर इस तरह की निर्मम हत्या हमने पहली बार देखी है। ऐसे लोग जो हमारे जम्मू की धरती को मैला कर रहे हैं, हमारी हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। ये ऐसी जगह है जम्मू जहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, हवा में भी एक प्यार है, पर ऐसी हमारी जगह को मंदिरों के शहर में जिस तरह इस हवा को प्रदूषित किया जा रहा है, ऐसे घिनौने राक्षस को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और कि उसका कोई भी उसे नहीं उसका बनता है कि वो यहाँ पे जीवित रहे। कहना हम यही चाहते हैं कि जिस तरह उसकी निर्मम हत्या की गई है, ये पूरा एक प्री प्लान मर्डर है। हमें नहीं पता, पोस्टमार्टम के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या पता आपको बाद में सुनने को आए कि उस लड़की की हत्या पहले ही हो चुकी थी। अगर आपका किसी लड़की से संबंध है, चाहे वो हिंदू लड़की हो चाहे वो मुस्लिम लड़की हो, आपकी हो किसी ने क्या आपको अथॉरिटी दी, क्या आपके पास पावर है कि अगर आपकी कोई बात नहीं मानता तो आप उसकी जान ले लेंगे? क्या आप भगवान से ऊपर हो गए हैं? पर आज जिस तरह एक विशेष समुदाय द्वारा इस तरह का लव जिहाद चलाया जा रहा है और लोगों को, हमारी बच्चियों को इस तरह काटा जा रहा है जिस तरह कोई गाजर मूली हो, इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम बर्दाश्त करते रहेंगे तो यहाँ पर नदियाँ बह जाएंगी खून की और यहाँ पर लोगों में जो एक प्यार है, जो एक माहौल है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है हमारे पूरे जम्मू के लोगों की, पूरे हिंदू समाज की, कि ऐसे लोग जो हमारी लड़कियों के साथ इस तरह का एक षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, लव जिहाद चला रहे हैं, उस पर हमारा कहना यही है कि ऐसे लोगों को फांसी दी जाए। एक एग्जाम्पल सेट की